हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा ना। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन अगर स्टडी 91 पे इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, मतलब अब इकोनॉमिक्स में कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। हम लोग हर विषय को डिटेल में कवर करते हैं और इकोनॉमिक्स को भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पांचवा लेक्चर देने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स का, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है पीछे का चार लेक्चर, वो अटेंड कर लें, अभी भी समय आपके पास, ठीक है। वरना एक दिन जब इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी और तब आप कहोगे सर बहुत लेट हो गया है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, ये कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से आर्थिक विकास का पता चल पाता है, आखिर कैसे किसी देश के ग्रोथ रेट का पता किया जा सकता है, आज आप ये सारी चीजें जान पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली जीडीपी के ऊपर आज की पूरी क्लास बेस्ड है और आप सभी जानते हैं कि एक क्लास में एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आज जीडीपी को लेकर के जितने भी डाउट आपके मन में होंगे सब खत्म हो जाएंगे। कल मैंने एक डायलॉग दिया था आपको कि कल दोस्तों जीडीपी को फुटबॉल बनाऊंगा और आपको प्लेयर बनाऊंगा और आप उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे, तो आज दिन आ गया दोस्तों फुटबॉल खिलाने का। और चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूं जीडीपी के बारे में। छोड़ो एक तरफ, पहले जीडीपी को कुछ समय के लिए साइड में रखो, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, फिर जीडीपी पे बात करते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, हर देश चाहता है कि वह तरक्की करे, वह उन्नति करे, वह विकास करे, हर देश, चाहे वह छोटा देश हो, चाहे वह बड़ा देश हो, चाहे वह विकसित देश हो, चाहे वह विकासशील हो, चाहे वह अल्प विकसित देश, तो हर देश चाहता है कि हमारा देश विकास करे। अच्छा ये विकास किसके लिए, ये विकास किसके लिए, ध्यान समझिएगा। हर एक देश क्या चाहता है, हर एक देश चाहता है कि वह क्या करे, वह विकास करे, लेकिन वह विकास किसके लिए करना चाहता है, तो हर एक देश अपना विकास अपनी जनता के लिए करना चाहता है, जो उस देश में रहने वाली जनता है उनके लिए क्या करना चाहता है, यह विकास करना चाहता है। विकास होगा कैसे, विकास होता है वो जो हमने कल पढ़ा था 6 मूलभूत सुविधाओं के बारे में, अगर उनके ऊपर सरकार जो है काम करना शुरू कर दे तो हर देश का विकास होने लगेगा, ऐसा हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, ठीक है। वो 6 सुविधाएं कौन कौन सी थी, जिसमें खाद्य था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, चिकित्सा था, जीवन प्रत्याशा वगैरह थी, यही सारी चीजें थी ना। इन सभी चीजों पर आपका स्वच्छ जल हो गया, आपका स्वच्छता हो गया, ये सारी चीजें थी जिनके ऊपर हम लोग बोले थे ये बेसिक नीड अप्रोच है, यदि सरकार इन पर ध्यान देना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से हर एक देश डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं खाने की, तो खाने के पीछे सोचो कितनी सारी कंपनियां लगी हुई हैं। आप देखो, आप घर में मसाला इस्तेमाल करते हो, वो मसाला कहीं ना कहीं कंपनी से बनकर आ रहा है। आप जिस नमक का इस्तेमाल कर रहे हो वो कोई कंपनी बना के आपको दे रही है। आप जो चाय पी रहे हो उसकी चाय पत्ती आपको मिल रही, तो वो भी कोई कंपनी आपको सप्लाई कर रही है। आप अपने अगल बगल एक बार नजर घुमा के देखो, अगर मैं इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं ये भी कोई कंपनी बना रही है, अगर यहाँ पे लाइट लगा हुआ है यह भी कोई कंपनी बनाई हुई है, चाहे फैन हो चाहे मार्कर हो, हम जिस कपड़े को पहन रहे हैं वो भी किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया। आप समझो ये जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उनके पीछे जाया जाए और एक मोटा वजह पकड़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीजों के पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, बहुत बड़ी। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेगा कब, जब लोग कहां जाएंगे, चिकित्सालय में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटैलिटी की सुविधा होगी, और अच्छा हॉस्पिटल मतलब वहां पे तरह तरह की मशीनें होंगी जिनसे रोगों का उपचार किया जाएगा। वो मशीन कहां बन रही, वो भी किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में बन रही है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं समझो, अगर कोई किताब है वो भी किसी इंडस्ट्री में छप रही है, यानी हर चीज के पीछे देखो। अगर आप पीने वाला पानी यूज करते हो ना, उसके पीछे भी कंपनियां काम करती, आप जिस नल का इस्तेमाल करते हो वो नल भी कोई कंपनी बना रही है। आप अपने चारों तरफ एक बार घूम के देखो, आपको हर चीज के पीछे एक इंडस्ट्री नजर आएगी। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि मूलभूत सुविधाएं को विकसित किया जाए, उससे ज्यादा बेहतर है कि अपने देश में उद्योगों को विकसित कर दिया जाए। अगर ढेर सारे उद्योग लगा दिए जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे लोगों का जीवन स्तर ऐसे ही बढ़ जाएगा,
और लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? मैंने आपसे क्या छोटा सा चीज कहा, मैंने कहा हर देश तरक्की करना चाहता है अपने यहाँ की जनता के लिए, अपनी जनता के लिए ये काम करना चाहता है। और अगर हम अपने चारों ओर घूमकर देखें तो हमारी बेसिक नीड जो पूरी हो रही है उसके पीछे बहुत सारी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं। दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है ना, बस इसी को पकड़ लो। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हर एक देश क्या करता है, इस जनता के सुकून के लिए उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन करता है। जब कोई चीज एक औसत से ज्यादा उत्पादित हो जाता है, ठीक है, तो वह देश क्या करता है, इस ज्यादा वाले हिस्से को किसी दूसरे देश में क्या कर देता है, बेच देता है। बात को समझिएगा, किसी दूसरे देश में क्या करता है, बेच देता है। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, बहुत सारी सामानें ऐसे होती हैं जो हमारे देश में उत्पादित नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, कुछ हद तक पेट्रोलियम हम निकाल पाते हैं अपने देश में, लेकिन बाकी का पेट्रोलियम हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो गया, यानी जो अरब कंट्री है वहां से हम परचेजिंग करते हैं, चाहे वो ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, उन लोगों से हम तेल खरीदते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे मशीन, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको बाहर किसी दूसरे देश से खरीदना पड़ता है, ठीक है, किसी दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। एक एक लाइन समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, केवल बेस बना रहा हूं अभी। किसी दूसरे देश से खरीदना पड़ता है दोस्तों, जिन चीजों को हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं ना, बस उसी को कहा जाता है आयात। क्या कहा जाता है? आयात। इंग्लिश में इसी को नाम दिया जाता है इंपोर्ट का, ठीक है। और जब हम किसी दूसरे देश को कुछ बेचते हैं तो इसी को नाम दिया जाता है निर्यात का, ठीक है, निर्यात का। इसी को कहा जाता है दोस्तों एक्सपोर्ट। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट। अब आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो जीडीपी, फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हो? अभी बताऊंगा, अभी जब आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, उससे पहले ही आप सीख जाओ कि आयात निर्यात क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आयात करना अच्छा होता है या निर्यात करना अच्छा होता है? चलो एक पल के लिए मैंने मान लिया कि आपको नहीं आता है कि अच्छा क्या हमारे देश के लिए। एक बात बताओ, बेचना अच्छा होता है या खरीदना अच्छा होता है? तो आप कहोगे सर बेचना अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों हमेशा देश के लिए निर्यात अच्छा होता है, और हर देश चाहता है कि हमारे यहां एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, निर्यात बढ़े, और हर देश आयात कम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई चीज इंपोर्ट करेगा तो हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में चली जाती है, या हमारा जो विदेशी भंडार है उसमें कमी आती है। इस वजह से इंपोर्ट हर देश कम करना चाहता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहता है। बात समझ में आ गई? और यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देश के विकास के पहिए कहे जाते हैं। ये पहिया है जिस पे देश का विकास होगा, ये वो पहिया है। दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? ये पहिया है, आप ऐसे समझ लो। अब एक कहानी यहां पे रोको, इस कहानी को रोको, अब एक नई कहानी आपको बता रहा हूं, सुनो। एक कहानी समझ में आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है मैं ये आपको बताना चाह रहा था, वो आप समझ गए, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, एक समय की बात है, जब समय क्या बताऊं, हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और हर देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, ठीक है। आपके 1930 के दशक में जो आर्थिक मंदी आई थी वो बड़ी खतरनाक थी, और उससे सब देश जूझ रहे थे। 10 साल लग गया उन देशों को उभरने में। जब दोस्तों आर्थिक मंदी हटी और जब देश हर स्टैंड करने लगे, तो उनके मन में विचार आया कि क्या कोई ऐसा का है जिससे हम अपने देश के विकास के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आपका भी सोचना होता है ना कि हम बहुत दिन से बिजनेस चला रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता किया जाए। तो जब देश ने इस बारे में सोचना शुरू किया, तो उस समय की जो बैंकिंग कंपनियां थी, जो बैंक थे, उस समय के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इस कार्य का जिम्मा ले लिया कि आप घबराइए मत, हम बताएंगे कि आपके देश का आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन बताएगा? वो बैंकिंग कंपनियां बताएंगे। उसी दौरान एक अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के रहने वाले थे, उनका नाम था साइमन। क्या नाम था? यूएसए, यानी अमेरिका के रहने वाले थे, उनका नाम था साइमन। क्या नाम था? साइमन। साइमन ने दोस्तों एक नया शब्द दे दिया, जीडीपी। क्या दे दिया? जीडीपी। आपसे पूछ सकता है आपकी परीक्षा में कि जीडीपी जो शब्द है यह किसने दिया है? तो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक शब्द दिया जीडीपी। फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। एकदम डरिए मत, अभी इसके साथ फुटबॉल बनाता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए खाली। सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी जो शब्द दिया था ये साइमन नाम के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने दिया था, और जीडीपी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि आप किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता लगा सकते हैं। इसके पहले जो बैंकिंग कंपनियां थी वो अपने मन से जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे वो आर्थिक विकास का पता लगा रहे थे, कोई एक ऐसा नियम नहीं था जिसको सभी लोग फॉलो करें। अच्छा, अब बात आती है कि साइमन के द्वारा बताए गए इस नियम को सभी देश क्यों मानेंगे। भाई अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, यूरोप वालों को कैसे पता चलेगा कि जीडीपी के माध्यम से हम आर्थिक विकास का पता कर सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। दोस्तों पता ऐसे चला, 1945 में आपने सुना वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई और आईएमएफ आ गया, और आईएमएफ ने इसको सपोर्ट कर दिया जीडीपी को कि हां जीडीपी के माध्यम से आर्थिक विकास का पता किया जा सकता है। और जब आईएमएफ ने सपोर्ट कर दिया बस वहीं से चर्चित हो गया, वहीं से जीडीपी शब्द क्या हो गया, चर्चित हो गया। तो साइमन साहब ने कब से कब तक किया था इसका इस्तेमाल, 1935 से लेकर के 1944 तक इन्होंने किया, और उसके बाद आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान है अमेरिका में, उसने इसका इस्तेमाल शुरू किया, और तब ये चर्चा का विषय हो गया, और धीरे धीरे सभी देश मानने लगे कि हाँ जीडीपी के माध्यम से आर्थिक विकास का पता किया जा सकता है। अभी दोस्तों मैं कुछ खास नहीं बताया हूं, मैंने आपको खाली ये बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, दूसरे पॉइंट पे मैंने ये बताया कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो साइमन नाम के जो क्या थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस नाम को दिया जीडीपी नाम को, और बताया कि जीडीपी के माध्यम से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है कि अब बताइए सर जीडीपी क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, एकदम रुकने की हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो रही, मैं बता रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं जीडीपी की, ठीक है, तो याद रखिए जीडीपी में कहा गया कि एक देश में उसकी सीमा के अंदर या भीतर, ठीक है, जितनी वस्तुएं, एक साल का डेटा है, ठीक है, जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से, जितनी सेवाओं एवं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य या उसका कुल मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा एक वर्ष के भीतर एक देश की सीमा के अंदर कुल जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वही जीडीपी कहलाता है, कुछ लोग यहां पे परेशान हो गए होंगे, सर थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये वस्तुओं सेवा छोड़ो, भूल जाओ एक पल के लिए, फार्मूला भूलो, चलो मैं बता रहा हूं क्या हुआ ना दोस्तों, एक आंकड़ा ले रहा हूं, 2017 में क्या हुआ कि हमारे पूरे भारत देश में पता है कितना उत्पादन हुआ, बस ये तीन मार्कर का उत्पादन हुआ, कितना, पूरा एक साल में यही तीन मार्कर बना और पूरे देश में कुछ नहीं बना, सब शून्य था। आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं बना, सिर्फ क्या बना, ये तीन मार्कर बना, और एक मार्कर का दाम 100 रुपया, एक मार्कर दाम कितना, 100 रुपया। दोस्तों मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बड़ा ध्यान से उत्तर दीजिएगा, अगर एक मार्कर का दाम 100 रुपया है और कितना मार्कर बना, तीन पीस मार्कर बना, तो कुल कितना रुपया का मार्कर हुआ, तो आप कहेंगे सर 300 रुपया का मार्कर हुआ। बस मेरे भैया यही 300 रुपया भारत की जीडीपी है, क्या है यही 300 रुपया, क्या है यही भारत की जीडीपी है। अभी अब जितना समझा रहा उतना समझिएगा, यही क्या, यही 300 रुपये की जीडीपी हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी, 300 रुपये की। अगर यही मार्कर बन के कितना बन जाता, 30 मार्कर बन जाता, तो एक जीरो और लगा देते, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई, 3000 रुपये की अर्थव्यवस्था है, समझ में आ रहा, बस यही है। इसी तरह से ये जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जब सबको जोड़ लिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कुल जीडीपी, क्या कहा जाता है, कुल जीडीपी। अब आप कहोगे सर ये जो उत्पादन की बात कर रहे हैं भाई, ये हो सकता है कि इसको सरकार बनाए, एक मार्कर सरकार बनाई,
एक मार्कर हमारे चाचा बना दिए, उनकी कंपनी थी, उनके कंपनी में मार्कर बना, हम अपनी आंख से देखे थे, एक मार्कर चाचा बना दिए। एक मार्कर ये जो लाल वाला है ना, ये एक विदेशी कंपनी आई थी, एक मार्कर उसने बना दिया। बताइए हम किसको किसको जोड़े। हमने कहा भैया मत परेशान हो, कुछ नहीं, हमने क्या आपको पढ़ाया है, एक देश की सीमा के अंदर, अगर हमारे भारत देश के अंदर ये तीन मार्कर बना, चाहे भारत देश की सरकार बनाए, चाहे आपके चाचा मामा कोई बना दे, या फिर कोई विदेशी कंपनी बना दे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसका कुल मूल्य क्या कहलाएगा, कुल जीडीपी कही जाएगी, उसका कुल मूल्य ही क्या कहलाता है, कुल जीडीपी कहा जाता है। बोलो कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, एक बात तो तय हो गया, जीडीपी क्या होता है आंख बंद करके किसी को बता देंगे क्या होता है। एक साल में कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जितना उत्पादित किया जाता है जीडीपी कहलाता है। अपनी भाषा में बोलो यार, कहे लाइन टू लाइन रटने की कोशिश करते हो, लाइन टू लाइन नहीं रटना है, एक एक लाइन अपनी भाषा में आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक चीज और बता दूं, जब ये जीडीपी काउंट होता है ना, आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल आपने बता दिया, तो तीन मार्कर का एग्जांपल ले लिया तो कोई भी कर देगा, हमारा देश तो इतना बड़ा है और कितनी सारी चीजें हैं, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई कंपनी बना रहा है, कोई बल्ब बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई मार्कर बना रहा है, कोई किताब बना रहा है, कोई खाने पीने की चीजें बना रहा है, बोलो, और कोई सेवा देने में लगा है, मतलब कोई बीमा कर रहा है, कोई एडवोकेट अपना काम कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, मतलब सर इतना सर कैसे जोड़ा जाएगा। दोस्तों इसके लिए तीन क्षेत्र निर्धारित किए गए, कितने क्षेत्र, तीन क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी केवल नोट कर दे रहा हूं। उसके लिए यहां पर तीन क्षेत्र लिखे गए हैं, जिसके लिए बोला जाता है, इसका हेडिंग क्या होता है कि जीडीपी के घटक कितने हैं, जीडीपी के घटक, घटक घटक समझ रहे हैं, यानी कैसे जीडीपी को काउंट करने के लिए कौन कौन से घटक का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए तीन घटक हैं, पहला क्या है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में क्या आते हैं, प्राथमिक में आ जाता है दोस्तों कृषि संबंधित चीजें, कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी यहां आ जाएगा, उद्योग से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो द्वितीयक में आ जाएगा, और सेवा क्षेत्र से संबंधित जितनी चीजें होंगी वो तीसरे में आ जाएगा। मैंने क्या कठिन बता दिया भैया, मैंने आपसे कहा जीडीपी के घटक कितने होते हैं, तीन घटक होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, कृषि से संबंधित जितने चीजों का उत्पादन हो रहा है सबको यहां लाके रख दो, उद्योग से संबंधित जितना है उसको द्वितीयक क्षेत्र में रख दो, और सेवा से संबंधित जितना उत्पादन हो रहा है उसको तृतीयक क्षेत्र में रख दो, और इसी तीनों को जोड़ दो, इसी तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और उससे क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गया कि जो जीडीपी होता है सर, इसका मतलब जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक सेहत का संकेतक होता है, मतलब विकास का संकेतक होता है, तरक्की का सूचक होता है। जीडीपी को देख के हम पता कर सकते हैं कि देश की तरक्की हो रही कि नहीं, अरे यहां 300 है, कल को 600, फिर 1000, 2000, 3000, ये तरक्की हो रही है, बस यही तो है, कुल अर्थव्यवस्था कितनी हो गई, बस ऐसी ही चीज जो को पढ़ना है। अभी और आगे समझिए, अभी आप देखेंगे कि जीडीपी परसेंटेज में आता है, कैसे आता है वो भी मैं बता रहा हूं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, खाली छोटी सी चीज दोस्तों, या इन चीज में इंक्लूड कर लीजिएगा, हमेशा जिन वस्तुओं और सेवाओं की बात की जाती है उसका अंतिम रूप यहां पे लिया जाता है, फाइनल गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स होता है जिसको उपभोक्ता इस्तेमाल। अच्छा एक बात बताओ, ये एक जगह मान लो एक कैप बना, दूसरे जगह मार्कर बना, तीसरे जगह इंक बना, सबको अलग अलग जोड़ोगे, अब कोई कैप थोड़े खरीदेगा, अरे आदमी तो मार्कर खरीदेगा ना, मार्कर खरीदेगा ना, समझ रहे हैं। अब कहीं बटन बन रहा है, कहीं शर्ट बन रहा है, बाद में शर्ट बटन पे लग करके पैक होके आ जा रहा है, तो हमको क्या लेना है, हमको उपभोक्ता वाला सामान लेना है, जिसको आदमी उपभोग करता है, जो आपके लायक है, जो आपके लायक है, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो यहां पे याद रखिए किसको शामिल किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स को शामिल किया जाता है, जो अंतिम उत्पाद होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है या जो उपभोग वाली वस्तु होता है उसको यहां पर काउंट करते हैं। समझ में आ गया, कोई भी वस्तु या सेवा हमेशा फाइनल स्तर पे जो रहेगी उसको काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर इतना आ गया हो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको कुछ कठिनाई वाली चीजें बताते हैं जीडीपी में। देखिए जीडीपी अपने आप में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है,
ठीक है, अगर आपको इसके साथ खेलना है तो आपको हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। फिर से एक बार रिवाइज करिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, जब आप आयात निर्यात करते हो, सामानों को बेचते हो दूसरे देश में और दूसरे देश से खरीदते हो। याद रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब व्यापार दो देशों के बीच में हो रहा हो। ऐसा नहीं कि यूपी से दिल्ली में सामान बेच दिया और दिल्ली से यूपी ले आए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ना 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 ना, देश के बीच में होना चाहिए व्यापार, तब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। एक तो मैंने एक कांसेप्ट दिया, दूसरा मैंने बताया भाई जीडीपी का शब्द जो था ये किसने दिया था, मैंने कहा साइमन नाम के एक व्यक्ति ने दिया था, 1934 से लेकर 35 से लेकर 44 तक उसने इस्तेमाल किया और उसके बाद आईएमएफ ने अपनी चीजों में कंसीडर कर लिया और तब से ये शब्द क्या हो गया, फेमस हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि जीडीपी होती क्या है, एक साल में कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। ध्यान रहे ये वस्तु फिनिश गुड होना चाहिए, ठीक है, ये हमने बताया। फिर हमने कहा उसके लिए तीन घटक होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं, ठीक है। चलो अब आपके मन में आएगा कि सर जल्दी से आप ये बताइए कि जीडीपी निकालते कैसे। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या है, चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। दोस्तों 2017 की जो घटना मैं आपको बता रहा था वो घटना फिर से आपके सामने आ गई। पूरे देश में केवल तीन ही मार्कर का उत्पादन हुआ और एक मार्कर का दाम कितना था, 100 रुपया था, और इस तरह से तीन मार्कर को मिला करके यहाँ पर 300 रुपया आ गया, ठीक है। साल बदला, समय बदला, 2018 आ गया और 2018 में क्या हुआ दोस्तों, एक मार्कर का उत्पादन बंद हो गया, जो विदेशी कंपनी थी इसने मार्कर बनाना बंद कर दिया, अब केवल दो मार्कर का उत्पादन हुआ। कितने मार्कर का, सिर्फ दो मार्कर का उत्पादन हुआ, लेकिन उस समय क्या था, मार्कर का दाम बढ़ गया और मार्कर का दाम बढ़ के कितना हो गया, 150 रुपये हो गया, कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। और अब कितने मार्कर बन रहे हैं, दो मार्कर बन रहे हैं, तो अभी भी कितना रुपया यहां पर बन रहा है, 300 रुपया। दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप बताओ क्या हमारे देश की तरक्की हुई या नहीं हुई, या तरक्की स्थिर है? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि तरक्की स्थिर है, और वो सही भी है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? आपको लग रहा होगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि 300 रुपए की अर्थव्यवस्था भारत की है, भारत की जीडीपी 300 रुपए की थी, अभी भी तो 300 रुपए की है, क्या घाटा क्या हो गया, क्या घाटा हो गया? अरे ठीक है, एक चीज का प्रोडक्शन बंद हुआ तो दाम भी तो बढ़ा, तो घाटा क्या हुआ, ओवरऑल 300 ही तो हुआ यहां पे। नहीं, आपको ये नहीं काउंट करना है। देखो होता क्या, समस्या बता रहा हूं, पहले आप समस्या को समझिए। यहां पे जो आप 300 देख रहे हो वो इन्फ्लेशन की वजह से है। वो किसकी वजह से है, वो इन्फ्लेशन की वजह से है। ये महंगाई आई है ना, उस महंगाई के वजह से ये 100 का दाम 150 हो गया है। भाई चीजें महंगी हो गई, 150 हो गया, और तब ये 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए पे आ रहा है। जो ये आप 300 रुपया देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये नॉमिनल है। ये क्या है, ये नॉमिनल है, केवल नाम मात्र का है, नाम मात्र का है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से अफेक्टेड है, किससे, महंगाई से अफेक्टेड है, किससे, महंगाई का प्रभाव इस पे पड़ा है, इस वजह से 300 रुपया दिख रहा है। आप कहोगे सर पल्ले नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे, मुझे पता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है और मुझे पिघला करके आपको पिलाना है, ठीक है, और ज्यादा अच्छा घोल बनाकर आपको पिलाना है। फिर से आप समझो मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं, एक साल में तीन मार्कर बना, भागो मत, अगर आप भाग गए कभी जिंदगी में जीडीपी नहीं सीख पाओगे। आज मेरी क्लास अटेंड कर लो, पूरी जीडीपी याद हो जाएगी, मैं वादा कर रहा हूं, समय दोगे तब सिखा पाऊंगा, ठीक है। 100 रुपए के हिसाब से तीन मार्कर बना 300 रुपए का, ठीक है। एक हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि महंगाई के आधार पर नहीं, बिना महंगाई के क्या स्थिति है हमारे देश की वो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, महंगाई के टाइम पर अगर चीजों को देखोगे उस टाइम तो इन्फ्लेशन रहता है, तो वैसे भी चीजें हाई रेट पे चल रही हैं, लेकिन जब वो महंगाई गिरेगी तो अचानक से देश की अर्थव्यवस्था धम्म से गिर जाएगी। तो नियम पता क्या कहता है, नियम ये कहता है महंगाई को मत इंक्लूड करो, यहां पर महंगाई को शामिल मत करो, बिना महंगाई को शामिल किए हुए हमको बताओ कि हमारे देश की उन्नति या तरक्की या विकास हुआ है या नहीं हुआ बिना महंगाई को शामिल किए। आपने कहा ठीक है, मैं आपको खाली इतना कह रहा हूं दोस्तों महंगाई को हटा दो। अब आप कहोगे सर महंगाई कैसे हटेगी, मतलब यहां से कैसे महंगाई हटा दें? दोस्तों एक संगठन है हमारे देश में, नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, नाम है ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिस, ठीक है, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, संगठन नहीं है, ठीक है। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस है, कार्यालय है। दोस्तों ये कार्यालय क्या करता है, हर
साल क्या करता है, एक सूची बनाता है, ठीक है, और उसी सूची के आधार पर हम चीजों की प्राइस निकालते हैं। प्राइस वहां दिया होता है। सुनो मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से महंगाई को हटा दो तो आप कहोगे फिर आप हमको एक दाम बता दो, क्या दाम रख लिया जाए, 100 रख लें, 110 रख लें, 120 रख लें, 130 रख लें, भाई 150 रखने को आप मना कर रहे हो, कह रहे हो कि महंगाई आ गई उसको नहीं रखना है, बिना महंगाई के रखना है, तो हमको दाम बता दो बिना महंगाई के। तो दोस्तों बिना महंगाई के दाम जो कौन तय करता है, ये सीएसओ तय करता है। सीएसओ ने कहा 2011-12 हर चीज के लिए बेस ईयर होगा, क्या होगा, बेस ईयर होगा। दोस्तों आपको रटाया जाता है कि जीडीपी में बेस ईयर क्या है 2011-12, आप पढ़ते हो किताब, रटते हो जीडीपी में बेस ईयर 2011-12 2011-12, और जब परीक्षा में 10-11 जाता है भूल जाते, ये 10-11 पढ़े थे कि 11-12 पढ़े थे कि 12-13 पढ़े थे, समाज में नहीं आ रहा क्या पढ़े थे, कंफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सीएसओ क्या करता है, कुछ नहीं, सीएसओ यहां सिंपली सीएसओ ने कहा कि 2011-12 को क्या किया जाएगा, यहां पर बेस ईयर माना जाएगा, 2011-12 को क्या किया जाएगा, यहां पर बेस ईयर के रूप में लिया जाएगा, बेस ईयर, बेस ईयर, बेस ईयर, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, पानी पी के आता हूं, गला बैठ गया, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा बेस ईयर यानी आधार वर्ष हो गया, आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष, और बेस ईयर कहते हैं इंग्लिश में इसे, और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहा जाता है। तो समझिए कि आधार वर्ष है क्या, आधार वर्ष क्या है, इस चीज को समझिए। आधार वर्ष वह समय है जिस समय में सीएसओ हर सामान का दाम तय करता है, हर सामान का दाम। अब कहोगे सर बहुत सामान है हमारे देश में, हजारों सामान है तो हजारों सामान का दाम तय करेगा, आपको क्या दिक्कत है, वो बताएगा इस मार्कर का दाम क्या था। और सीएसओ ने कहा इस मार्कर का दाम 2011-12 के अनुसार कितना रुपया है, 100 रुपया है, ऐसा सीएसओ ने कहा, और हम उसको मानेंगे कि अगर इसका दाम 100 रुपया और प्रोडक्शन कितना हुआ 200 का, तो ओवरऑल हमारे यहाँ जो वैल्यू हो कितना है, 200 रुपये, पहले 300 था और अब 200 है, बताओ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सर विकास हुआ है, नहीं विकास नहीं हुआ है, 300 की अर्थव्यवस्था घट करके 200 की अर्थव्यवस्था पर आ गई, और ये रियल डेटा है, यही क्या है, यही वास्तविक है, यही रियल है। ऊपर वाला क्या था, जो हमें दिख रहा था वो रियल नहीं था, वो नॉमिनल था, वो नाम मात्र था। इसीलिए कहा जाता जीडीपी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, रियल नॉमिनल, किसी से पूछ दो रियल जीडीपी क्या होती बताओ, कुछ होता होगा नहीं पता है, नॉमिनल जीडीपी, अरे यही नहीं पता कि जीडीपी कितने प्रकार की होती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि बाकी क्या क्या होती, नॉमिनल और रियल, कुछ नहीं, सिंपल है। रियल मतलब सीएसओ जिस आधार वर्ष के आधार पर मूल्यों को तय करता है, उस मूल्य का गुणा जब प्रोडक्शन में किया जाता है, जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, वो रियल वैल्यू होती है, ओरिजिनल है वही रियल, और डुप्लीकेट क्या, जो महंगाई से क्या है, प्रभावित है पूरी तरह से, इस पे महंगाई का इफेक्ट पड़ा हुआ है, इंपैक्ट पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, यानी सॉरी वैल्यू नहीं, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो एक प्रश्न आपका और तैयार हो गया कि जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आधार वर्ष क्यों लिया जाता, समझ में आ गया, अगर आधार वर्ष 2011-12 नहीं तय करेगी हर साल, बताओ पता चला सीएसओ, मान लो देश में 50,000 सामान है, सीएसओ ने तुरंत सबका डेटा तैयार किया और तब तक साल खत्म हो गया, फिर नया डेटा तैयार करना है, अरे ऐसे अगर डेटा तैयार करेगा करता ही रह जाएगा, तो एक बना लिया जाता है 10-5 साल तक उस पर काम चलता है, फिर जब जरूरत समझ में आती है फिर से सीएसओ एक नया बेस ईयर तैयार कर देता है, ठीक है, और फिर उस बेस ईयर पे काम होना शुरू हो जाता है। तो 2011-12 अभी के लिए बेस ईयर है, और इस बेस ईयर के आधार पर हम क्या करते हैं, कुल जीडीपी, टोटल जीडीपी का पता लगाते हैं, समझ में आ गया। चलो एक चीज और दोस्तों बताओ, चलो एक पल के लिए मान गए कि ठीक है सर बढ़िया काम कर रहा है, अब एक चीज यहां पर आती है कि ये जो विकास दर है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दो ही बात हो सकती है, या तो बढ़ेगा, अरे विकास दर या तो ज्यादा होगा, अगर यहां प्रोडक्शन बढ़ जाए अभी 100 की बजाय क्या हो जाए, प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाए, 500 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो बढ़ जाएगा, तो विकास दर या तो बढ़ सकता है या तो विकास दर घट सकता है। और जीडीपी के लिए दोस्तों दो चीजें यहां पर रखी गई हैं, इसको मापने के लिए, जीडीपी को मापने के लिए दो तरीका है,
क्या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर अगर महंगाई के आधार पर ही जीडीपी निकाल दें तो क्या दिक्कत है? अरे निकालिए ना, हम कहां मना करें, मत निकालिए, सुनिए ध्यान से। जीडीपी को मापने का तरीका, ठीक है, सुनो ये कैसे इसकी गणना होती है दोस्तों। दो तरह से इसकी गणना होती है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे, क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, और दूसरा होता है करंट प्राइस पे। क्या होता है, कांस्टेंट और करंट प्राइस पे, बस दो ही होते हैं, कांस्टेंट और करंट। सर ये तो अभी आपने बताया ना, कांस्टेंट माने वही जो बेस ईयर का दिया था किसने, सीएसओ ने, उसी आधार पे कर लेंगे। हाँ वही है, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, सीएसओ ने जो बेस ईयर लेने को कहा था, यानी किस लिए कहे कहा था सीएसओ ने ऐसा, अरे क्योंकि महंगाई का प्रभाव न पड़े इस वजह से सीएसओ ने क्या किया था, यहां पर एक बेस ईयर लिया और उसी बेस ईयर के आधार पर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करना। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करना। और करंट प्राइस मतलब अरे जो मार्केट में चल रहा है, इन्फ्लेशन आ गया 150 हो गया, प्रोडक्शन 2 ही हुआ, 150 × 2 = 300, बस तो आपका क्या हो गया, वो आपका करंट प्राइस हो गया, यानी इस पर महंगाई का प्रभाव पड़ता है, इस पर महंगाई का प्रभाव बना रहता है, इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है, इसमें बेस ईयर का कोई रोल नहीं होता है, ये होता है करंट प्राइस। यानी जीडीपी की गणना दो तरीके से की जाती है, एक कांस्टेंट प्राइस के आधार पर, एक करंट प्राइस के आधार पर। समझ में आ गया सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी बोलेगा अब एकदम एक धड़ल्ले में समझा देंगे, ठीक है। अब एक चीज और सर, ये तो बता दीजिए कि पूरे जीडीपी में हम क्या क्या फाइनल क्या क्या शामिल करें, मतलब क्या अधिकतम क्या क्या रहेगा, एक लाइन में सर बता दीजिए, एक लाइन में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जीडीपी में मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे देश में जितना गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विसेस का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उनका कुल प्राइस, टोटल प्राइस, इसको इंक्लूड करना है। अब आप कहोगे सर ये बड़ा कठिन हो जा रहा है, कोई सिंपल शब्द में बताइए ना। अच्छा एकदम आसान ऐसा बता दूं जो आपके घर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब ना बताऊं, चलो सिंपल बता दे रहा हूं दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूं दो तरह के खर्चे होंगे, या तो हम करेंगे या हमारी सरकार करेगी, दो होंगे ना, या तो हम या तो हमारी सरकार, यही होगा ना। अब देखो, या तो कोई मान लो व्यापारिक इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं ना, पहला पॉइंट यहां पे बना लो, इसको मिटा देता हूं, पहला पॉइंट ले लो व्यापारिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या क्या लेते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करते समय, क्या क्या लेते हैं, ठीक है, एक आपका हो गया व्यापारिक इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, ठीक है, व्यापारिक निवेश एक हो गया, एक आपका हो गया सरकारी निवेश, भाई सरकार भी तो अपना निवेश कर रही, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो व्यक्तिगत है, इन तीनों को जोड़ लो, व्यक्तिगत है जो आपका, इन तीनों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, इन सब को जोड़ लो, और उसमें ना एक चीज और जोड़ लो, हमने आपको बताया निर्यात करना बहुत अच्छा होता है, आयात करना खराब होता है, तो निर्यात में से आयात को घटा लो, मान लो निर्यात किया तूने 500 रुपया, आयात किया 200 रुपया, तो बचा कितना रुपया, 300 रुपया, कितना बचा 300, यही 300 लाके इसमें जोड़ दो, क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ोगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल जीडीपी हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, टोटल जीडीपी क्या है इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं बताया, मैंने आपको कहा या तो एक लाइन में याद रखो कि हमारे देश की सीमा के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो उत्पादित हो रहा है उसको ले लो, और क्या करो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो आ रहा है उसको ऐड कर दो, और उसी को क्या कहा जाता है, टोटल जीडीपी कहा जाता है, टोटल जीडीपी कहा जाता है। समझ में आ गया, इतना बात आई गया होगा। अब इससे ज्यादा जीडीपी में कुछ रखा नहीं है कि आपको जीडीपी के बारे में इससे ज्यादा कुछ बताया जाए, उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे बात कर लेते हैं जीडीपी के मामले में। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 2019 में भारत की जीडीपी कितनी है, अक्सर करके आप पेपर में पढ़ते हो समझ में नहीं आता है, मैं यही चाहता हूं ना। एक दिन मेरे पास कोई हमारी बहन थी, उन्होंने कमेंट किया था और कई सारे भाई लोग भी कमेंट किए थे कि सर वो जो पेपर में हमारा इकोनॉमिक्स वाला पेज होता ना उसको पढ़ते हैं सर समझ में नहीं आता, तो एक बार आप सर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स हमको ऐसा पढ़ा दो कि हम पेपर में कुछ अगर अच्छा लिखा है तो हम उसको समझ पाए। तो उस दिन बड़ा प्रभावित हुआ था कि चलो ये बच्चों की डिमांड में दिमाग में था, आज मैं क्या कर दिया उन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने दे रहा हूं कि आप कैसे उस पेज को समझ पाएंगे।
दोस्तों आप पढ़ते हो कि अभी लेटेस्ट न्यूज है, कुछ दिन पहले का आया था कि पिछले 6 वर्षों में भारत की इकोनॉमी सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आप ये लाइन पढ़े होंगे कि पृथ्वी 6 वर्षों में, पिछले 6 वर्षों में, 6 सालों में भारत की इकोनॉमी या भारत का जो विकास दर है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर। कैसे पता चल गया? कैसे? जीडीपी निकला था क्या? हाँ, जीडीपी निकला था, उसी से पता चल गया। हुआ क्या था दोस्तों, पहले आप जान लो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो जो 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, यानी पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था वो खत्म हुआ जाके मार्च 31 में। 31 मार्च को क्या हुआ है? वो समाप्त हुआ है, यानी 1 जनवरी से चला होगा और 31 मार्च को समाप्त हुआ होगा। चार क्वार्टर होता है, तो ये आखिरी क्वार्टर था। जो आखिरी वाला क्वार्टर था ना, उस समय जीडीपी की जो दर थी वो 5.8% थी। कितनी थी? 5.8। मैं बता रहा हूं पिछले साल के अंतिम तिमाही में। याद रखिएगा, ये जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है 3-3 महीने पे होता है, और एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अगर 3-3 महीने से भाग दे दोगे तो 4 महीने आएंगे। ठीक है, सॉरी, 3-3 महीने पे काउंट होता है, 4 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा। तो 3-3 महीने का एक एक क्वार्टर बनता है और इस तरह से 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो आखिरी क्वार्टर था, चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक, उसमें जो भारत की जीडीपी दर थी, ठीक है, ग्रोथ रेट था, वो था 5.8% के हिसाब से ग्रोथ रेट था। ये पिछले साल की बात है। इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च सॉरी एक अप, अभी नया फाइनेंशियल ईयर लग गया, 2019-20 का फाइनेंस से लिया आ गया हमारे सामने, ठीक है। और इसमें जो पहली तिमाही है, ये पहली तिमाही जो हम है हमारी, वो कौन सी है? तो मार्च के बाद अप्रैल से शुरू हुई है पहली तिमाही, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और ये कहां तक जाएगी? अप्रैल, मई और जून, यानी क्या हो गया? 30 जून ना, मई जून, ठीक है, 30 जून, 30 जून को ये तिमाही कंप्लीट हुई। तो दोस्तों ये जो तिमाही था ना, इस तिमाही का क्या निकाला गया? जीडीपी रेट निकाला गया, तो ये पता चला कि 5% है। कितना है? 5% है। कितना है? 5%। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, समझो, पिछले तिमाही में, यानी जो पिछले साल का तिमाही था, उसमें 5.8 था लास्ट टाइम, और इस समय कितना आ गया? 5%। आज पिछले 6 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट, हमारा जो विकास दर है, वो कभी 5% रहा हो। आप देख रहे हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है अनुमान लगा रहे हैं कि विकास दर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ये पता पूरे साल का अनुमान लगाते हैं। ओवरऑल हम पहले तिमाही तिमाही करते हैं, पहले 3-3 महीने का निकालते हैं। सरकार 3-3 महीने क्यों निकालती है? अरे देखती है कि हम अच्छे से काम कर पा रहे कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो एक तिमाही हमारा खराब हो गया, अप्रैल मई जून, ये 3 तिमाही में क्या हुआ? एक तिमाही का क्या हो गया? 5% आ गया। अब सरकार सत्ते में आ गई, यार बड़ा नुकसान हो रहा है, कैसे कैसे गिर रही है। अब सरकार इसके लिए प्रयास करेगी, अरे आगे बढ़े, क्योंकि IMF ने कहा कि ये ग्रोथ रेट 7% जाएगी, हम 5% रहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको और मेहनत करना पड़ेगा। तो अब ये अगस्त देख रहे हैं, ये आपका अगस्त आया, सितंबर आया, आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार फटाफट 2-3 योजनाएं लॉन्च कर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि जल्दी से जीडीपी रिकवर हो जाए, इसके लिए क्या हो रहा है? यहां पर काम होने लगा। जब भी जीडीपी डाउन होगा तुरंत सरकार एक नई योजना ला देगी। आपको लगता था आज तक कैसे योजना है? आपको लगता होगा ऐसे आ जाती होगी योजना, ऐसे नहीं आ जाती है। जब ये जीडीपी रेट डाउन होता है, ग्रोथ रेट डाउन होता है, और हमको प्रेशर होता है कि हमको 7% पूरा करना है और यहां 5% है, गवर्नमेंट को प्रेशर, गवर्नमेंट चाह रही है कि नई योजना फटाक से दो ताकि जल्दी से जीडीपी क्या हो जाए? रिकवर हो जाए। आरबीआई से कहता, भैया तुम अपना जो सख्ती लगा कर रखे हो ना, कम कर लो ताकि क्या हो जाए? जीडीपी रिकवर हो जाए, जो हमारा रेट है वो 7% के पास चला जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी, ठीक है, यानी विश्व स्तर पर हमारा क्या होगा, हमारी कमियों का पता चलेगा लोगों में। और लोग इसी को देख करके ना, जो इन्वेस्टर है, जैसे मोदी जी चले गए जर्मनी, जापान, फ्रांस, वहां जाके करते क्या है? वहां जाके वहां की कंपनियों को आमंत्रित करते हैं कि भैया आप भारत में आओ, आप आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको सुविधाएं देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप आइए हमारे यहां। अच्छा, विदेशी कंपनी अगर हमारे यहां आएंगी तो हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहां की विकास दर में वृद्धि होगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे देश की सीमा के अंदर चाहे जो भी उत्पादन करेगा सब जीडीपी में आएगा, चाहे विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो। तो मोदी जी गए और गए तो वहां से बुला के लाएंगे। अब सामने जो रूस में बैठा आदमी है वो भारत क्यों आएगा?
वो देखेगा कि भारत ने कहा था कि हमारी ग्रोथ रेट 7% जाने वाली है और ओरिजिनल में 5% जा रही है। वो कहेगा ये बोले थे 7% पा रहे हैं, 5% देश सही नहीं है, यहाँ काम सही नहीं है। वो क्या करेगा, वो हटना चाहेगा, वो भारत के साथ नहीं जाना चाहेगा। तो अगर ये ग्रोथ रेट बढ़ जाए तो लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अभी ये रेट बढ़ के 8-10% हो जाए, अभी किसी को बुलाना ही नहीं पड़ेगा, विदेशी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी, सर हम भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर दें। क्यों, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगी कंपनियां, दो पैसा का फायदा उनको भी होगा। अगर हमारा फायदा हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो दो पैसे का फायदा उनका भी होगा। तो इसलिए कंपनियां हमारे देश में आती हैं और ये काम करती हैं। लेकिन कब, अगर ये जीडीपी रेट जो है बढ़ जाएगा तो। लेकिन अगर ये ग्रोथ रेट घट गया है तो कंपनियां क्या होंगी, कंपनियां हटना चाहेंगी, कंपनियां अपना प्रोजेक्ट हमारे देश में नहीं लगाना चाहेंगी। क्यों, अरे विकास नहीं, विकास दर ही नहीं हासिल हो पा रहा है, हमारी सरकार जो कह रही है वो नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत हो जाएगा। और सरकार जो कह रही है वो न कर पाए, ये उसके लिए बड़ा खतरनाक है। मोदी जी क्या मुंह लेकर जाएंगे दूसरे के यहाँ, तो मोदी जी को टेंशन। अब मोदी जी को टेंशन, ओ 5-7 कैसे होगा, फटाफट 2-3 योजनाएं तैयार करो। देखो कहाँ दिक्कत है, आ गया प्रधानमंत्री मानधन योजना, नई नई योजनाएं आ गई कि कैसे भी करके विकास दर को रिकवर किया जाए। समझ में आ रहा है कितना इंटरकनेक्शन है, सोचो। चलो एक चीज और बताता हूं। अच्छा कुछ लोगों को लगेगा क्या सर जीडीपी लगा रखे, अरे 5% 5.8% में कितना अंतर हो गया, अरे 0.8% का ही तो अंतर है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या होगा अगर हमारी जीडीपी दर घटकर कितनी हो जाए, 1% हो जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या होगा कि अगर हमारी जीडीपी दर घटकर कितनी हो जाए, 1% हो जाए। कहानी बताऊं आपको क्या होगा, चलो बता देता हूं, बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय का नाम सुना आपने ना, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पढ़ाया हूं आपको, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों 2018-19 यानी पिछले साल का जो प्रति व्यक्ति आय था वो आय 10,534 रुपये था। कितना था, 10,534 रुपये, यानी एक व्यक्ति, ठीक है, पूरे महीने में, ये मासिक बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, ये मासिक है, मंथली 10,534 रुपये महीने प्रति व्यक्ति आय थी। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रोथ रेट 5% है, ठीक है, तो इसी का 5% निकाल लेंगे, 526 रुपये, कितना हो जाएगा, 526 रुपया। अगर ग्रोथ रेट 5% है तो अगले वर्ष इस व्यक्ति की इनकम बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 526 इसमें जाकर और ऐड हो जाएगा, याद रखेगा, और जो भी अमाउंट आएगा उतने से यहाँ पर इनकम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये आपको मानना पड़ेगा, ये हर समय वृद्धि होती रहती है। आपको नहीं लग रहा है कि 1991 में लोगों की सैलरी क्या हुआ करती थी, तब हमारे लिए 1-2 रुपये भी बहुत होते थे, आज 100-200 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, तो ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है इस तरीके से। अगर ये 1% हो जाए तो जो साल में 526 रुपए बढ़ रहा है वो खाली कितना रुपया बढ़ेगा, 105 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 105 के आसपास आएगा, इतना ही बढ़ेगा। तो बताओ नुकसान हो रहा है कि नहीं। और यही अगर परसेंटेज 10% पे चला जाए तो 1000 प्लस हो जाएगा, 1000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी का मतलब है, जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता बताती है, आर्थिक सेहत का पता लगाती है, और विकास दर का डायरेक्ट अनुमान जो है वो लग जाता है कि क्या चल रहा है विकास दर। तो 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है हमारी जीडीपी 5%। भगवान से कामना करो कि जीडीपी और अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि जीडीपी अच्छी होगी तो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और जीडीपी अगर कम होती चली जाएगी तो हमारे देश में तमाम समस्याएं बढ़ेंगी। क्या, पहली बात तो इन्वेस्टर नहीं आएंगे, उत्पादन की समस्या बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ेगी, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। भाई 10 कंपनियां आती तो रोजगार मिलता लोगों को, रोजगार मिलता, नई नई नौकरियां आती, जब आएंगी नहीं तो नौकरियां कहां से आएंगी, समझ रहे हैं। तो ये पूरा मीनिंग है, और ये रहा जीडीपी का पूरा कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया। एक चीज और याद रखिए, आपके मन में एक जगह डाउट और होगा, सर वो जो आपने बताया था कि सीएसओ हर सामान का दाम तय करता है, वो कैसे करता होगा, कितना मेहनत करता होगा सीएसओ ना। दोस्तों करता है, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, नाम सुना होगा,
आपने थोक मूल्य सूचकांक का नाम सुना होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नाम सुना होगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नाम सुना होगा, कृषि उत्पादन सूचकांक का नाम सुना होगा। इस तरह से बहुत सारे सूचकांक होते हैं, उन सूचकांकों के आधार पर CSO ये रेट तय करता है। ठीक है, वो आपकी समस्या नहीं है, वो CSO का बना बनाया डेटा होता है, आपको खाली लेके कैलकुलेट कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, आपका हर एक डाउट यहां पर सॉल्व किया जाएगा। और इकोनॉमिक्स की जो क्लास दी जा रही है दोस्तों, इसको रेगुलर देखते चलिए, क्योंकि इतना कठिन विषय आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो जान लीजिए कि हमारे मन में बस खाली यही चीज़ है कि हम अपने देश के लिए कितना अच्छा कर दें, कितना बेहतर कर दें कि सब लोग पढ़ लिख जाएं, सब लोग आगे बढ़ जाएं। यही उम्मीद से मैं आपका साथ दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको हमारा साथ काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हर एक सब्जेक्ट यहां डीपली पढ़ाया जाता है, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे वेबसाइट से जुड़िए। हमारा एप्लीकेशन भी अगले एक हफ्ते में आप तक पहुंच जाएगा, और वेबसाइट है study91.co.in या .org या .net, किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, .net, ठीक है, किसी पे भी विजिट कर लीजिए और वहां जाकर के आप चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां मैंने पढ़ने के लिए बहुत सारे मटेरियल रखे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर की सीरीज वहां पर है। टोटल मिला के 70,000 क्वेश्चन वहां पर मैं टाइप करा चुका हूं, अलग अलग एग्जाम भी आपको वहां मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, बहुत कुछ है वहां पे। तो एक बार आप वहां पे विजिट करिए और चीजों को पढ़िए। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो जरूर शेयर करेंगे, कहना ना पड़े। अगर आपको लगता है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा योगदान दोस्तों आपका चाहिए, प्लीज कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।